तो नमस्कार यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे आशा करते हैं आप तो ऊपर वाले सभी के बाल बच्चे पत्ते अच्छे रखे और दुआ करें दोस्तों हमारे भी अच्छे रहें। दोस्तों देखो अभी आंखें में लाल लाल रही है ना हमारे थोड़ा थोड़ा, ये देखो आज हमारे पति इतना प्यार करते हैं दोस्तों आप लोगों से क्या बताया। तभी कहते हैं कि हमारे पति से दुनिया में कोई नहीं है। कल पिक्चर अंदर पिक्चर चल रही है, अंदर चल के बात करें। देखो यहाँ पे लेटे हैं ना, ये जा क्यों नहीं रहे इसलिए कि टेंशन। कल हमारे तो बीपी लो हो गई थी दोस्तों, हाँ एक मिनट, और हमारे पति कल से टेंशन में है, समझ लो 5-6 हज़ार का नुकसान कर चुके हैं सिर्फ हमारे लिए, ठीक है। और देखो दोस्तों कैमरे में साफ दिख रहा होगा, ये देखो ये यहाँ पे चोट लगी है, मैं बहुत भारी गड्ढा है तो ब्लॉकिंग करने के लिए अभी मेकअप किया दोस्तों, थोड़ा हल्का सिर्फ फेयर लवली लगाया, कुछ नहीं लगाया ऊपर से। और ये देखो ये में बहुत भारी गड्ढा है और इसी के यहाँ पे चोट है और पैर में चोट है, दिखा दोस्तों काफ़ी फूला है, मतलब दिख नहीं रहा है, काफ़ी फूला है दोस्तों। और हमारे पति कल से काफ़ी मतलब डिप्रेशन में बेचारा आएंगे और कहला कि परेशान। अब कल दोस्तों रक्षाबंधन, हमारे घर में 1 रुपये किसी के पास नहीं है, हमारे पास 1800 रुपये तक रखे हैं, तो 1800 में अब डाक खाने में हमारा जुड़ा हुआ पैसा 40,000 रुपये था दोस्तों। तो वो सोमवार को कहले निकलने को, तो कल निकले या ना निकले हम लोगों का रक्षाबंधन कैसे जाएगा कैसे ना जाएगा अब तुमसे क्या बताएं। और घर देख के लोग समझते हैं कि बहुत इनके पास पैसा होगा, सब कुछ होगा। आज के ज़माने में गरीब से गरीब आदमी है तो शौक कर रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग क्यों ना करें। और हमारे पति हमारे लिए देवता हैं, टेंशन में कहीं नहीं गए हैं। उनके इतने व्यापारी फ़ोन कर रहे हैं कि रंजीत आइए, और वो नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं जब तक हमारी औरत नहीं ठीक हो जाएगी तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। कुछ चाहे उधार लेके हम किसी से चाहे कुछ भी करके हम अपने बीबी को जब तक ठीक नहीं करा लेंगे तब तक कहीं नहीं जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि आज के ज़माने में ना किसी को राड़ की गाड़ी तो कभी देना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे गड्ढा खोदने वाला खुद उस पर आ जाता है। तो इसीलिए सबको हम थोड़ा मुँह की चाड़ी हैं दोस्तों, आप लोग कैसे भी समझना, मतलब गुस्सैली कोई औरत होती है जो गुस्सा शांत कर लेती है, हमें गुस्सा शांत नहीं होती है। बीपी की वजह से देखो हम क्या लेके आज बैठे, ये बीपी जब होते हैं तो गुस्सा चढ़ जाती है, और जो कोई उल्टा दोस्तों बात करता है ना तो हमारे उसकी वजह से बीपी हो जाती है। तो वही बात है दोस्तों कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो शेयर कर दिया करो, हम लोग इतने मुसीबत में पड़ चुके हैं, कोई साथ देने वाले हैं नहीं, पति के सिवा कोई दुनिया में हमारा नहीं है। और वो तो देखो गुस्सा भी करते हैं, आप लोगों से बताते हैं फिर प्यार करते हैं, गुस्सा भी करते हैं फिर प्यार करते हैं, पर हमारे पति बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों आप लोग ऐसे हमारा सपोर्ट जैसे बनाए हैं वैसे बनाए रहिए। और दोस्तों एक बार आप लोगों से कहना चाहते हैं, बाबा यूट्यूबर वाले जो हैं वहाँ तक हमारा ये वीडियो अगर आप लोग सब लोग मिलकर पहुँचा देंगे तो ये हमारे है इधर पड़े यहाँ के फतेहपुर में रहते हैं, हम ये जानते हैं कौन दिन मिलते हैं कौन दिन नहीं मिलते हैं। वहाँ पे जाने का मतलब 2-3 हज़ार का खर्चा है, दूरी है थोड़ा, मतलब अरे 2 हज़ार का तो खर्चा है ही है, तो हमारे पैसे उससे सब मान लो ख़राब हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को, भाई बहन को, जितने मेरी बहनें हैं भाई हैं सबको, हर साल भोले बाबा का कल दिन पड़ रहा है, हर साल सबको भाई बहन का ऐसे ही प्यार बना रहे। और कल ब्लॉग छोड़ेंगे जैसा भी लुक हमारा होगा आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों कैसे होता है, पर फिलहाल हम लोग घर में पैसा नहीं है, बेटे बहनी राखी बांधने आएंगे, उन लोग क्या देंगे क्या नहीं देंगे खुद सोच में पड़े हमारे पति, और हमारे टेंशन में पड़े कर हमारी बीवी ऐसी बीमार पड़ी है, कल बिटिया बहनी आएंगी और उनको कैसे हम क्या करेंगे। कल देखो गिरे हाथ की पूरी चूड़ी टूट गई दोस्तों, और देखो इसकी चूड़ी पूरी है, देख रहा है, कल 2 बार गिरे, सर में पूरी चोट आई है, डॉक्टर ने बताया सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, ये MIR कराना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा ब्लॉक हो जाएगा, अगर छोटा सा ब्लॉक हमारा प्यारा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना, और आप लोग कमेंट कर दिया करो अगर कोई भी हमारी आप ही लोगों से सुधार हमको थोड़ा थोड़ा सीख मिल रही है। तो ठीक है भैया, हम साड़ी पहन के ब्लॉग करेंगे, आपको कहना सही है कि साड़ी पहन के दीदी ब्लॉग बनाया करो, पर बीपी के वजह से नहीं पहनते, हमें उलझन बढ़ती है, इसीलिए हम सूट पहनते हो कि ना ढीले ढाले पहनते, देखो कई सूट हमारा टाइट पाया होगा किसी ब्लॉग में ना किसी डांस में, पर आप लोगों के लिए हम छोटे मोटे डांस 1-2-4 डालते रहते हैं, कैसे डालते हैं, बच्चे उच्चे हैं हमारी, चाची ना हो तो कुछ घर में काम ना हो पाए, चाची जानती हैं कि बबली बीमार रहती है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को सारी तकलीफ बता दिए हैं, फिर मिलेंगे
नए ब्लॉग में, तब तक के लिए ऊपर वाले सबके बाल बच्चे पति अच्छे रखें और दुआ करिए हमारे भी अच्छे लगे। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहिए। भोले बाबा का लास्ट सोमवार पड़ रहा है, सबके भाई बहन का रिश्ता ऐसे हर साल बरकरार रखें ऊपर वाले।